ये देखिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अलसी, क्योंकि मेरे को है शुगर। शुगर में खाने से इसको फाइबर ज़्यादा है इसमें, तो इसलिए मुझे शुगर है, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। और गरम तवे पे मैंने डाल दिया इसको, इस तरह से हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। इसके बाद हम ना इसको मिक्सी के जार में दो तीन बार चलाएँगे, एकदम चला के नहीं रह जाएंगे, बारीक भी नहीं करना है पाउडर इसका काफ़ी, नहीं तो इसमें तेल सा अच्छा लग जाएगा। और रोटी में, आटा में भी मिला के खा सकते हैं, दूध के साथ खा सकते हैं, दही में डाल के खा सकते हैं एक चम्मच, सुबह खाली पेट एक चम्मच खा सकते हैं, गर्म पानी के साथ जैसे आपकी इच्छा हो वैसे खा लो। ये देखिए, इसमें हम मिक्सी के जार में डाल देंगे इसको इस तरह से। ये देखिए, ये हमने मिक्सी में डाल, ये देखिए हमने इसको पीस दिया है अलसी को, ये देखिए हमने पीस लिया इसको। और इतना एक चम्मच के हिसाब से, अरे ये देखिए एक चम्मच के हिसाब से इतनी, सुबह गर्म पानी के साथ खा लो या दही में डाल के खा लो, सलाद में डाल खा सकते हैं, और आटे में भी मिक्स करके इसको खा सकते हैं। कैसे भी खाओ ये पेट में जानी चाहिए, चाहे शाम को दूध के साथ भी खा सकते हैं, तो इससे आपका शुगर हमेशा कंट्रोल रहेगा। पहले हम लेकर आए थे, मैंने खा के देखा है इसको, तो मैंने सोचा एक वीडियो भी बना सकते हैं इसके ऊपर, तो वीडियो बना दें, इसलिए मैंने सोचा सभी को बता दें। और आप लोग एक बार ज़रूर इस तरह से खा के देखिएगा। ये देखिए, ज़्यादा महीन नहीं किया हमने इसको, देखो दरदरा है ये। और ऐसे कच्चा भी मैंने खाया इसको, तब भी अच्छा लगता है, ये लगता खरबूजे के बिया खा रहे हैं। इसलिए एक बार ज़रूर आप लोग इस तरह से बना के खाइएगा। बाय बाय।